गुड बाय डोरेमोन में अभी तक हमने देखा था कि डोरेमोन हमेशा हमेशा के लिए 22nd सेंचुरी में वापस जाने लगता है। पहले तो नोबिता बहुत रोता है, लेकिन डैड के समझाने के बाद वो समझ जाता है और खुशी खुशी डोरेमोन को विदा कर देता है। नोबिता जियान को लड़ाई में हरा के डोरेमोन को ये प्रूव भी कर देता है कि उसके जाने के बाद वो अपना ख्याल खुद से रख लेगा, वो खुशी खुशी चले जाए। अब नोबिता अकेला पड़ चुका था और डोरेमोन को मिस करने लगा था। अब आगे देखते हैं। डोरेमोन के गए हुए काफी हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन नोबिता अभी भी अपने ड्रॉअर को चेक करते रहता था कि कहीं वहाँ टाइम मशीन वापस ना आ गई हो। लेकिन एक दिन नोबिता की मम नोबिता को देख लेती है और समझाती है कि तुमने कहा था कि तुम सब कुछ खुद संभाल लोगे, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना नोबिता। नोबिता सर हिलाता है और बाहर खेलने निकल जाता है, लेकिन नीले आसमान को देख या नीले बलून को देख नोबिता अक्सर डोरेमोन की यादों में खो जाता था। नोबिता ग्राउंड में पहुंचता है, लेकिन नोबिता के शरीर में कपड़ों में धूल कीचड़ मिट्टी लगी थी। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तब शिजुका पूछती है सब ठीक तो है ना नोबिता। तब नोबिता नाली में गिरने की या कुत्ते के पीछे पड़ने की ये सारी बातों को इग्नोर करके कहता है सब ठीक है और उनके साथ खेलने लगता है। ये देख शिजुका खुश होती है कि अब नोबिता रोने के बदले मुस्कुरा के प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देता है। नोबिता जब घर आता है तो नोबिता के पेरेंट्स उसके दिन के बारे में पूछ के उसको अकेला फील नहीं होने देते और नोबिता भी बहुत इंटरेस्ट से उनसे बात करने लगता है। नोबिता डिनर के बाद सो जाता है और जब सुबह उठता है तो देखता है कि 1 अप्रैल का दिन था। नोबिता डोरेमोन को भी मिस कर रहा था। तभी डोर में सुनियो आता है और नोबिता को नीचे बुला के उससे कहता है कि नोबिता मैंने ग्राउंड के पाइप्स में स्पेशल तरह का स्नेक देखा है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती है, चलो उसको पकड़ लेते हैं। जब नोबिता सुनियो पे भरोसा करके वहाँ ग्राउंड में जाता है तब वो देखता है कि वहाँ स्नेक के बदले एक डॉग था जो कि उसके पीछे पड़ जाता है। दरअसल सुनियो ने नोबिता को अप्रैल फूल बना दिया था। नोबिता भागते हुए थक के नदी के किनारे वाली घास पे लेट जाता है, जहाँ थोड़ी देर में जियान आता है और बोलता है नोबिता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको पता है डोरेमोन वापस आ चुका है। ये सुन के नोबिता पागल हो जाता है और भागते हुए घर पहुंचता है और अपनी मॉम से डोरेमोन के बारे में पूछता है, लेकिन नोबिता की मॉम को डोरेमोन के बारे में कुछ पता नहीं था। नोबिता अपने रूम में डोरेमोन को ढूंढने लगता है, उसको लगता है कि डोरेमोन उसको सरप्राइज देने के लिए उससे छुप रहा है। नोबिता अपना गुल्लक तोड़ देता है और सारे पैसे लेके डोरा केक लेने चले जाता है ताकि जब डोरेमोन उसको मिलेगा तो वो उसको डोरा केक देगा। पैसे लेके नोबिता शॉप में जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसको जियान और सुनियो मिल जाते हैं, जिनसे उसको पता चलता है कि उसको दोबारा से अप्रैल फूल बना दिया गया है। ये सुन नोबिता टूट जाता है, अपने घुटनों में गिर जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि डोरेमोन को लेके वो लोग उससे झूठ बोलेंगे। अब नोबिता दुखी अपने रूम में बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में कभी जियान और सुनियो को खुद से फेस कर पाऊंगा। तभी नोबिता कबर्ड के डोर में लदार लेता है और उसके ऊपर डोरेमोन का एक टॉय जैसा कुछ गिर जाता है। वो डोरेमोन का एक गैजेट था जो कि डोरेमोन ने नोबिता के लिए रखा था। डोरेमोन नोबिता से बहुत प्यार करता था, उसको पता था कि नोबिता को उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने ये गैजेट छोड़ा था। उस गैजेट में डोरेमोन ने एक मैसेज भी रिकॉर्ड करके छोड़ा था जिसमें डोरेमोन बोलता है नोबिता जब तुमको बहुत जरूरत होगी तब इस गैजेट को खोल लेना। नोबिता चौंकते हुए उस गैजेट को खोलता है और देखता है कि उसमें एक लिक्विड एक रेड कलर का केमिकल रखा हुआ है। लिक्विड के ऊपर उस गैजेट के बारे में लिखा हुआ था, ये एक ऐसा केमिकल था जिसे पी के जो भी झूठ बोलेगा वो सच हो जाएगा। नोबिता खुश हो जाता है और कहता है अप्रैल फूल के दिन मुझे ऐसा ही कुछ गैजेट चाहिए था। नोबिता उस पूरे केमिकल को पी लेता है और जियान और सुनियो से हिसाब करने के लिए निकल जाता है। जियान और सुनियो ग्राउंड में थे और नोबिता को देख के उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं क्या तुम हमको अप्रैल फूल बनाने आए हो नोबिता। लेकिन नोबिता कुछ नहीं बोलता और पाइप्स के अंदर घुस जाता है और बोलता है मौसम बहुत साफ है, आज बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। गैजेट के असर की वजह से बहुत तेज बारिश हो जाती है और जियान और सुनियो पूरे भीग जाते हैं। जियान और सुनियो नोबिता से लड़ने चले जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी नोबिता पाइप्स के ऊपर खड़ा होकर कहता है सुनियो तुमको कुत्ता नहीं काटेगा। तभी एक डॉग सुनियो के पीछे पड़ जाता है और सुनियो को काट लेता है। अब जियान की बारी थी, जियान डरा हुआ था। नोबिता जियान से कहता है जियान तुम्हारी मॉम तुमको बिल्कुल नहीं मारेगी बल्कि बहुत तारीफ करेगी। जियान को पता चल चुका था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जियान भागने लगता है और तभी जियान की मॉम जियान को पकड़ लेती है और मारते हुए घर ले जाती है। अब नोबिता ने दोनों से अपना बदला ले लिया था और पाइप्स के ऊपर खड़ा होके जोर जोर से हंस रहा था। हंसते हंसते नोबिता उदास हो जाता है क्योंकि उसको अब डोरेमोन याद आ चुका था। तभी नोबिता के हाथ से वो डोरेमोन का टॉय गिर जाता है और जो रिकॉर्डिंग डोरेमोन ने नोबिता के लिए छोड़ी थी वो बजने लगती है जिसमें डोरेमोन नोबिता को गुड बाय कहता है। दरअसल जब डोरेमोन गया था तब नोबिता सोया हुआ था, इसलिए लास्ट मैसेज के तौर पे डोरेमोन ने नोबिता के लिए गुड बाय वाली रिकॉर्डिंग छोड़ दी थी। शाम हो जाती है, नोबिता घर जाता है।
नोबिता दिन में डोरेमोन को ढूंढ रहा था जियान की अप्रैल फूल बनाने की वजह से। इसलिए नोबिता की मॉम नोबिता से पूछती है, क्या तुमको डोरेमोन मिला? तब नोबिता अपनी रूम की सीढ़ियां चढ़ते हुए और उदास होकर बोलता है, डोरेमोन अब कभी वापस नहीं आएगा, हम कभी उसको दोबारा नहीं देखेंगे। नोबिता अपने रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने डोरेमोन खड़ा हुआ था। नोबिता को ये देख के यकीन नहीं होता, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। डोरेमोन कहता है, मेरा वापस आना इम्पॉसिबल था, लेकिन पता नहीं मैं फिर भी कैसे वापस आ गया। तभी उसकी नज़र गैजेट पे पड़ती है और वो समझ जाता है, नोबिता ने अभी ये कहा था कि डोरेमोन कभी वापस नहीं आएगा और गैजेट की वजह से वो जो भी बोलेगा उसका उल्टा हो जाएगा, जिस वजह से डोरेमोन उसके पास वापस आ गया। नोबिता खुशी से रोने लगता है। नोबिता कुछ बोलने ही वाला होता है कि डोरेमोन उसका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि अभी भी गैजेट का असर खत्म नहीं हुआ था और नोबिता जो भी बोलेगा उसका उल्टा हो जाएगा। नोबिता डोरेमोन को गले लगाता है और बोलता है, मैं खुश नहीं हूँ, हम कभी साथ नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही ये खूबसूरत एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, ये गुड बाय डोरेमोन एक ऐसा एपिसोड है जो लिटरली आंखों में आंसू ले आता है। इस एपिसोड में एक मोमेंट है जब जियान और सुनियो नोबिता को अप्रैल फूल बना के तंग कर देते हैं, तब नोबिता उनसे बदला लेने लगता है और डोरेमोन के इस गैजेट से बदला ले भी लेता है। लेकिन उसके बाद क्या, वो पाइप के ऊपर हंसते हंसते उदास हो जाता है। वहीं हम लास्ट एपिसोड में देखें तो उसमें नोबिता बदला लेने की सोचता भी नहीं है, बल्कि वो तो इग्नोर करके माफ कर देता है और खुद को इम्प्रूव करने में और नॉलेज इकट्ठा करने में लग जाता है। और यही चीज नोबिता को लास्ट एपिसोड में ग्रेट बनाती है। नो मैटर हमारे साथ क्या हुआ हो, हमें हमेशा सारा ध्यान खुद को इम्प्रूव करने में लगा देना चाहिए, क्योंकि खुद को इम्प्रूव करना ही दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। एंड जो लोग दुनिया को बदल देना चाहते हैं, उनको भी सबसे पहले खुद को बदलना चाहिए, बिकॉज जिस मोमेंट में आपने खुद को चेंज करना शुरू कर लिया, उसी समय आपने दुनिया को भी बदलना शुरू कर लिया, क्योंकि आप भी तो दुनिया के ही एक पार्ट हो। इस एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।